समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों। चेकिंग के दौरान ग्वालियर रोड नहर के पास तिराहा से टावरों से अजना इंस्ट्रूमेंट चुराने वाले 9 छात्र चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरअसल झांसी में सिपरी बाजार थाना पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्यवाही में मोबाइल टावरों के नेट की स्पीड बढ़ाने वाला अजना इंस्ट्रूमेंट चुराने वाले गिरोह के 9 छात्र बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से 5 अजना इंस्ट्रूमेंट बरामद किए गए, जिनकी कीमत 10 लाख रुपए है। घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से थाना सिपरी बाजार के पास लगे मोबाइल टावरों में चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी। इसको देखते हुए पुलिस को इसका वर्कआउट के लिए भी लगाया गया, जिस पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्वालियर रोड नहर के पास तिराहा पर चेकिंग के दौरान घेराबंदी कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया चंद्रपाल पहले मोबाइल टावरों पर काम करता था, फिर उसने गिरोह बनाकर रात में टावरों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। गिरफ्तार आए सभी छात्र चोर हैं, जिनके पास से 5 अजना इंस्ट्रूमेंट, 2 कार और 4,970 रुपए के अलावा 8 मोबाइल फोन बरामद हुए। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सिपरी बाजार थाना पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में दीपक शर्मा और साद मलिक समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग मोबाइल टावरों पर लगने वाले अजना इंस्ट्रूमेंट जो नेट की स्पीड बढ़ाने में काम करते थे उनकी चोरी कर रहे थे। इनके पास से 5 अजना बरामद किए गए हैं। बदमाश अजना चोरी करके दिल्ली में साद मलिक और उनके साथियों को बेचने का काम करते थे। 70,000 रुपए से 1,00,000 रुपए की कीमत में बेचने का काम किया करते थे, जबकि एक अजना की बाजार में कीमत 2,00,000 रुपए की है। इन सभी को गिरफ्तार करके BNS की उचित धाराओं में केस दर्ज करके जेल भेजा जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत आज थानाध्यक्ष सिपरी बाजार की टीम तथा स्वाट टीम के द्वारा दीपक शर्मा, साद मलिक, चंद्रपाल आदि इनके 9 साथियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मोबाइल टावरों पर लगने वाले अजना जो इंस्ट्रूमेंट है, जो इसमें नेट की स्पीड बढ़ाने के लिए काम में आता है, ये 5 अजना बरामद किए गए हैं। इसके संबंध में थाना सिपरी बाजार पर 2 मुकदमे पूर्व से पंजीकृत किए गए थे। ये अजना चोरी करके दिल्ली में साद मलिक आदि इनके साथियों को बेचते थे, जो करीब 70,000 से 1,00,000 की कीमत में इनके द्वारा बेचा जा रहा था, जबकि अजना की कीमत नेशनल मार्केट में करीब 2,00,000 रुपए है। इन सभी को गिरफ्तार करते हुए BNS की उचित धाराओं में अभियोग पूर्व से जो पंजीकृत थे उनमें इनकी रिमांड ली जा रही है, तथा पुनः जो इन पे जो क्राइम बन रहा है उस पे भी अभियोग पंजीकृत करते हुए इन सभी को जेल भेजा जा रहा है। ये लोग सर कैसे चोरी करते थे, क्या इनका कोई पुराना अनुभव या काम किया हो उन्होंने? क्या बिल्कुल, जो चंद्रपाल है ये पहले से मोबाइल टावरों पे काम किया है और उसको ये टेक्निकली सारी जानकारी थी, और उसी ने अपना पूरा गैंग बना करके ये चोरी की घटना को अंजाम देता था।